हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनियाज कुकिंग। चलिए बनाते हैं व्रत वाले वॉफल्स। जी हाँ, बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी। मैंने लिए हैं 4 से 5 केले जो अच्छे से ओवर राइप थे, जिनको मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो मिक्सर में भी चला सकते हैं, पर ये इजीली फोक से भी मैश हो जाते हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें कूटू का आटा लगभग आधा कप, उसको भी मैं केले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऐसा जो है ना, मतलब जो केले के जो दाने दाने हैं और ये जो इनका आपस में वो मोटा मोटे से गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, वैसे मैं मिक्स कर लूँगी। अगर गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, ताकि ये जो कंसिस्टेंसी है ना, इसकी फ्लोइंग बन जाए। क्योंकि हमें इसके वॉफल बनाने हैं ना, तो इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ कोको पाउडर और वनीला एसेंस, और थोड़ा सा दूध मैं और ऐड कर रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छा सा करने के लिए। अच्छे से इन सब को भी मिक्स करूंगी। मैंने तब तक के लिए वॉफल मेकर को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, लगभग आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। उसके बाद बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस हमारा वॉफल का बैटर बनकर तैयार है। इस गर्म वॉफल मेकर को घी से मैं ग्रीस करूंगी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बैटर ऐड करूंगी। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, थोड़ा सा पतली लेयर में हम वॉफल मेकर का बैटर इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा वॉफल बनके तैयार हुआ है। लग नहीं रहा है ना कि ये व्रत वाला वॉफल है। ये देखिए मैंने और भी इसी तरीके से बना लिए हैं। अगर आपके पास वॉफल मेकर नहीं है, आप तवे पर भी बना सकते हैं। तवे को थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे, बैटर डालेंगे और ढक कर दोनों तरफ से पका लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ताकि मेरी बाकी की हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज को आप मिस ना करें। अरे वाह, यम्मी।